हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के PSCG और PAG वाले बच्चों के लिए BMTC 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ टू और थ्री वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5th। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम R2 एंड R3 दे रखा है। इससे पहले यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, टॉपिक नंबर सेकंड भी हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, और टॉपिक नंबर सेकेंड हमने पूरा कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, देन हमारा जो टॉपिक नंबर थर्ड था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो दो पार्ट है स्टार्टिंग के, ए एक्सिस प्लेन और ऑक्टेन, और जो बी पार्ट है लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 3rd के अंदर। ठीक है, देन हमारा सी टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइन, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अभी हम आज क्या करने वाले, हम करेंगे लेक्चर नंबर 5th के अंदर हमारा जो टॉपिक ये है ना, टॉपिक सी है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के जितने भी आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे ना, वो हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर नंबर 5th के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के सारे टॉपिक्स, टॉपिक 4th, टॉपिक 5th, 6th, 7th, ये सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। 8, 9, 10, ये सारे टॉपिक हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 5th, और लेक्चर नंबर 5th में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक नंबर 3rd के अंदर जो सी पार्ट था डायरेक्शन कोसाइन, इसके हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने इससे पहले डायरेक्शन कोसाइन का लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्रीवियस सभी लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चों, हम क्या स्टार्ट करने वाले, हमारा जो टॉपिक 3rd है ना, टॉपिक 3rd कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सी पार्ट डायरेक्शन कोसाइन के आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कौन से वाले, जो आपकी इग्नू की बुक में अंदर दे रखे ना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, वो हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं सारे के सारे। ठीक, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, इफ अ लाइन, ध्यान से सुनना, इफ अ लाइन मेक्स एंगल π/4 एंड π/3 विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, π/4 पर, वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, π/3 पर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द जेड एक्सिस, तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही आसान है ये, बहुत इजी है ये। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन ये दे रखा है एक लाइन दे रखी है, एक लाइन एन एल दे रखी है, एंड मेक्स एंगल, मेक्स एंगल्स विद, यानी एक हमारे पास क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है जो एंगल बनाती है किस किस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है इस लाइन का, वो है अल्फा, अल्फा कितना हमारे पास दे रखा है, π/4। ठीक है, वाई एक्सिस से कितना एंगल है हमारे पास इसका, वाई एक्सिस हमारे पास दे रखा है बीटा, वो दे रखा है हमारे पास π/3। ठीक है, और जेड एक्सिस से हमारे पास एंगल क्या, ये पूछा हुआ है कि गामा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा हुआ है इतना। ठीक है, तो उसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, आप सभी जानते हो, ये जानते हो ना क्या होता है कि कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, कॉस स्क्वायर बीटा, देन आपके पास कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा का स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को, देन हमारे पास ये क्या है, कॉस बीटा का स्क्वायर, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 1। यहाँ पे इसके एंगल्स की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा हमारे पास कितना दे रखा था, π/4, ये हमारे पास दे रखा है π/4 का होल स्क्वायर, प्लस में कॉस, ये हमारे पास कितना था, π/3, बीटा हमारे पास था π/3 का स्क्वायर प्लस में, और आपको ये कॉस गामा जो आपको फाइंड करना है इक्वल टू में 1 है ना। कॉस π/4 कितना होता है, 45 डिग्री, इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस में कॉस π/3 कितना होता है, 60 डिग्री है ना स्क्वायर, हमारे पास ये कॉस गामा, ये तो आपको फाइंड करना है।
अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कॉस 45 की और कॉस 60 की। कॉस 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कॉस 60 1/2 का स्क्वायर, प्लस में ये हमारे पास क्या था कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो 1/√2 कितना आ जाएगा 2, प्लस में ये हो जाएगा 1/4, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 1, इतना ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस का हाफ और माइनस का 1/4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कॉस गामा का स्क्वायर, इसका एलसीएम लोग कितना आएगा हमारे पास ये 4, 4 माइनस 2 माइनस 1, ये सिंपल सा एलसीएम है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 1/4 कर लोगे, देन हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास आंसर क्या आया था कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आंसर आया था 1/4। इसका स्क्वायर रूट करो तो कॉस गामा इक्वल टू कितना हो गया रूट के अंदर 1/4, तो आंसर कितना आएगा यानी कॉस गामा इक्वल टू में प्लस माइनस 1/2 है ना। तो अब कॉस में प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 1/2 किस किस की वैल्यू होती है, इसको दो में कर देंगे डिवाइड हम लोग इस तरीके से। पहला होगा हमारे पास ये कॉस गामा इक्वल टू प्लस का हाफ है ना, और दूसरा क्या होगा कॉस गामा इक्वल टू में माइनस का हाफ, ठीक। और ये क्या होता है हमारे पास कॉस गामा इक्वल टू में, ये तो हो जाएगा हमारे पास कॉस 60, और ये वाला कितना हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू में कॉस 120, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये इसको आप ऐसे लिख दो कॉस गामा इक्वल टू में कॉस पाई अपॉन में 3, और ये वाला कितना हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू में कॉस में 2 पाई अपॉन में 3, पाई के फॉर्म में। तो इस केस में हमारे पास गामा कितना मिल गया, या तो पाई अपॉन 3 एक एंगल ये हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास गामा के मिल जाएगा 2 पाई अपॉन में 3, ये दो हमें आ रहे आंसर आएंगे, ठीक है। अल्फा आपको गिवन दे रखा था, बीटा आपको गिवन दे रखा था, और गामा का आंसर कितना आ गया, या तो पाई अपॉन 3 होगा या फिर हमारा 2 पाई 3, दोनों एंगल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजन एंड पॉइंट पी। यानी देखो तो यहाँ पर समझा देते हैं क्या बोल रखा है, इसमें आपके पास गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन वी हैव, वी हैव अ लाइन एल, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू, विच इज पासिंग थ्रू किसे, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ओ, और इसके पॉइंट क्या दे रखे हैं 0,0,0 है ना, एंड और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है पी, और वो क्या हमारे पास 1, 2 एंड 3, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये कॉस अल्फा इक्वल टू में एक्स अपॉन में ओ पी, याद करो है ना, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। फिर हमारे पास कॉस बीटा हमारे पास क्या था वाई अपॉन में ओ पी, इक्वेशन सेकेंड ये हमें फाइंड करना है, और थर्ड हमें क्या फाइंड करना है कॉस गामा इक्वल टू में जेड अपॉन में ओ पी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस केस में ये जो हमारा पॉइंट दिए होते हैं ना पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ही क्या होते हैं, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसके जगह पर इसको आप लिख सकते हो ऐसे, लिख दो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू में 1,2,3, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, वाई दे रखा हमारे पास 2, और जेड दे रखा हमारे पास 3। यानी हमारे पास एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, आपको केवल ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में पुट करना है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है ये, ठीक है। नहीं, एक्स वाई जेड देखा आपको ओ पी फाइंड करना है, और ओ पी क्या है, ओ पी एक्चुअली में पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, नाउ नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी, और वो क्या होगा हमारे पास ओ पी है ना, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अगर दो पॉइंट दिए हो
या आपने स्कूल में सीखा होगा है ना, क्या था डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई वाई टू माइनस में वाई वन का स्क्वायर और प्लस में जेड टू माइनस में जेड वन का स्क्वायर। तो पॉइंट वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स वन वाई वन और आपका जेड वन, वो हमारे पास दे रखा है 0,0,0, ठीक है। और पॉइंट भी हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स टू वाई टू और आपका जेड टू, ये कितना हो गया हमारे पास 1,2,3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कितना हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे, चलो इस पर पुट करते हैं जल्दी से। एक्स टू कितना है 1-0, वहां से देख कर पुट कर लेना। एक्स वन ये वाला है ना, ये एक्स वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स थ्री हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये एक्स एक्स सॉरी एक्स टू हो गया, वाई टू हो गया और आपका ये जेड टू हो गया, ठीक है। स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 2-0 का स्क्वायर प्लस में ये कितना होगा 3-0 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1-0 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 2-0 2 का स्क्वायर प्लस 3-0 3 का स्क्वायर, कितना आंसर आया हमारे पास, ये 1 प्लस में 4 प्लस में 9, टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। ये हमारे पास आ गया ओपी का आंसर है ना। अब इस ओपी की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, नाउ डायरेक्शन कोसाइन, पहला वाला क्या था कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या था एक्स अपॉन में आपका ओपी है ना। तो एक्स कितना हमारे पास था 1 था और ओपी कितना हो गया हमारे पास ये √14, पहला वाला आपका आंसर आ गया है ना। दूसरा वाला, दूसरा हमारे पास कॉस बीटा हमारे पास क्या था वाई अपॉन में ओपी, वाई हमारे पास कितना 2 था और ओपी हमारे पास कितना हो गया √14, दूसरा भी आंसर आ गया। थर्ड हमारे पास क्या था कॉस गामा, ये था जेड अपॉन में ओपी, तो ये कितना हमारे पास 3 अपॉन में √14, हमारे पास थर्ड वाला भी आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना था ये वाला, कर लोगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर E4। E4 में क्या दे रखा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो आपको ये प्रूफ करना है ना। देखो तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इसे सॉल्व करके। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, और हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो बहुत ही इजी है, आप ही कहोगे वी नो दैट, वी नो दैट हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, कॉस को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर अल्फा को, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, याद करो हमारे पास ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 1। तो इस केस में कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह हम लोग किसके लिए बीटा के लिए भी कर लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस गामा के लिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा। तो ये कितना हो गया हमारे पास प्लस में, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, एक सेकेंड बच्चों, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में हमारे पास 1। इसको सही से करो तो ये क्या जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और इधर क्या हमारे पास है माइनस, उसे ब्रैकेट में ले लो, कितना हो गया हमारे पास ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में, एक सेकेंड बच्चों, प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में और आपका साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। इसको सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में और आपका साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1 माइनस में 3, इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचा हमारे पास, ये
स्टेप आप सारे लिखिएगा, ठीक है, मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में माइनस का 2, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में 2, और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, E5 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OP वेयर पॉइंट P, पॉइंट P क्या दे रखा है, 2,2-1। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोग सेल्फ करना, और कैसे ही हम आपको, ये हमने आपको पहले अभी करवा दिया था, अभी बता देते हैं। ये जो आपका E5 है ना, E5 बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है, इसके जैसा है, इसके जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम यही दे रखा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन ओ लिखा हुआ था, है ना, अब क्या आपने ओ लिख दिया है ना, यहाँ पे पॉइंट P 1 2 3 दे रखा था, यहाँ पे पॉइंट कुछ और दे रखा है, देखो जरा, देखो 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 सेम टू सेम है कि नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। E5 में सेम लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP, यहाँ पे ओ क्या है, ओ आपका ओरिजिन है, वो क्या है ओरिजिन है, और पी एक पॉइंट है, और पी हमारे पास ये दे रखा है। तो जो आपने पहले वाला एग्जांपल किया था, एग्जांपल फर्स्ट, वहां से सेम टू सेम यहां से करना, बस पॉइंट की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा, कर लोगे ना ये, ठीक है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 करेंगे, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 3 का ही, ये ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट, ये तीनों पार्ट तो हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं टॉप, ये पार्ट नंबर डी, जिसका नाम क्या है, डायरेक्शन रेशो। सेम इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आगे आने वाले लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है।